Councilman, look. तुम्हारा चेहरा भी एकदम मुरझाया हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे चेहरे की हंसी को गायब कर रही है? बताओ ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? आखिर तुम क्या जानना चाहती हो? इसे कैसे पता कि मैं कोई राज जानना चाहती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे उस राज के बारे में पता है, या फिर उस राज से इसका भी कोई संबंध है? शायद इसीलिए उस रास्ते पहुंचने से पहले वो संदूक वहां से गायब हो गया था। कहीं इसी ने तो गायब नहीं कर दिया। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि एक बहू और बेटा और सास या उसकी माँ, राइट, उन तीनों में अगर आर्ग्यूमेंट होगा तो बेटा ऑब्वियसली अपनी माँ की ही बात ही मानेगा, माननी भी चाहिए। सो वो आरोही भले ही सच भी बोल रही है फिर कुछ भी है, ही विल नॉट लिसन टू हर बिकॉज माँ माँ ही होती है एट द एंड ऑफ द डे। यार माँ गलत है, अब वो गलत है, उनका असली रूप मैंने देखा था, बट देन ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड नॉर विल ही। सो आज पहली बार इट वॉजन्ट सरप्राइजिंग कि दीप मेरी बात ना मान के अपनी माँ का साथ दे। द बिगर कंट्रास्ट हियर इज जो माँ इतनी सती सावित्री दिखाई है, रात दिन पूजा करने वाली है, शी हैज़ मर्डर्ड। उन्होंने ये प्रॉपर्टी के लिए यू नो टू बिकम रिच उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया, तो ये सच्चाई अभी तक दीप को पता नहीं, और पता भी होगा मुझे नहीं पता, वो भी ड्रामा कर रहा है बिकॉज वो भी कम नहीं है, पूरी फैमिली धोखेबाज है। सो आई डोंट नो अभी कौन किसको डबल क्रॉस कर रहा है, बट एज ऑफ नाउ द बिगर शॉकर इज दैट ये माँ ऐसी वाली माँ, यू नो शी इज अभी उससे दो सीन पहले शी वॉज इन अ जीन्स एंड यू नो एंड शी वॉज लुकिंग सो हॉट। ड्रीम नहीं था, ही वॉज एक्चुअली देयर, सो अपेरेंटली मिस्टर एक्स ऑल्सो हैज फीलिंग्स फॉर आरोही, तो भले ही वो मास्ट फैन है बट ही लाइक्स आरोही, तो उसके पीछे कौन निकलेगा दैट इज टू बी सीन, बट या दिस इज मोर लेस द सीक्वेंस। सो एक्स से पीछे छुड़ाने का कोई वो नहीं है, वो एक्चुअली ही इज वो आया है हमारी फैमिली में, एंड वट इज ई अप टू वो देखना बाकी है, सो अभी पता नहीं है, नो आइडिया।